Welcome people, this is UPSC Connect. So, the topic is Cabinet Mission. So, the next topic is Cabinet Mission. At that time, जो British Prime Minister थे, वो थे Clement Attlee, जो कि जवाहरलाल नेहरू के friend थे. उन्होंने 3 British Cabinet Members को इंडिया में भेजा. Stafford Cripps, Pethick Lawrence and A.V. Alexander. इस मिशन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि कैसे स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हो और ये देखने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कैसे ठीक से बनाई जाए सो एज टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके दो ऑब्जेक्टिव थे, जैसे पहले कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट करेगी, और इसके अलावा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मुलेशन हो सो एज टू बाय होल्डिंग डिस्कशन अमंग द इंडियन लीडर्स. कैबिनेट मिशन के जो मेन प्रोविजंस थे वो ये थे कि सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होगी जिसका मेन काम होगा टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल ऑफ इंडिया. इसके अलावा यूनिटी ऑफ इंडिया को सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान उसको टोटली रिजेक्ट किया गया. इट प्रपोज फॉर अ लूज फेडरेशन और यूनियन जिसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स प्लस ब्रिटिश प्रोविंसेस हो गए, और ये जो फेडरेशन है या फिर यूनियन गवर्नमेंट है इट वुड कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, एंड इसके पास ये पावर होगा कि वो रेवेन्यू रेज करे सो एज टू मीट सच एक्सपेंसेस फॉर हैंडलिंग दीज सेट डिपार्टमेंट जैसे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, और जितने भी बाकी पावर्स हैं जिसको कहते हैं रेजिडियरी पावर्स इट वुड बी वेस्टेड इन द प्रोविंसेस. जिसके पास ये पावर होगा कि वो दे विल बी फ्री टू फॉर्म ग्रुप्स, कोई भी ग्रुप के अंदर वो घुस सकते हैं. सो बेसिकली 3 सेक्शंस में इसको तोड़ा गया है. सेक्शन ए इट इंक्लूड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, इट इंक्लूड मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड ओरिसा, एंड सेक्शन बी इट इंक्लूड मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस इन द नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट पाकिस्तान जैसे, इट इंक्लूड पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध. सेक्शन सी इट इंक्लूड मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस इन द नॉर्थ ईस्ट, एक तरीके से ईस्ट पाकिस्तान, जहां पे बंगाल एंड आसाम विच वर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस इन द नॉर्थ ईस्ट साइड, इन द ईस्ट साइड. सो हियर यू कैन सी द नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी, that is section A in red color, and Muslim majority section B and section C in green color. So non-Muslim majority इसके अंदर आता है United Province, Bihar, Orissa, Central Province, Bombay and Madras. Delhi भी इसमें include further किया गया था. And Muslim majority section B मतलब Northwest side, इसके अंदर Northwest Frontier Province, Punjab और Sindh. एंड लेटर ऑन बलूचिस्तान को भी इसके अंदर ऐड किया गया था. और सेक्शन सी के अंदर है नॉर्थ ईस्ट साइड में जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, दैट इंक्लूड बंगाल एंड आसाम. ये जो ग्रुपिंग है प्रोविंसेस का ये इसलिए बेसिकली किया गया था ताकि मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर ले, क्योंकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है उसका एक ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑटोनॉमी है, सो उनको बेसिक एक थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि एक अलग से पाकिस्तान क्रिएट हुआ है. बट कांग्रेस ये जो ग्रुपिंग है इसका ये एज अ ऑप्शनल फीचर चाहती थी, ये कंपलसरी नहीं चाहती थी एज अ फीचर, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड आसाम का ये कहना था कि दे व ड्रैग इनटू सेक्शन बी एंड सेक्शन सी रिस्पेक्टिवली, बट मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि ग्रुपिंग कंपलसरी हो. डिफरेंट ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स हैं दे वुड सिट सेपरेटली ताकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करें प्रोविंसेस के लिए, इंडिविजुअल प्रोविंसेस के लिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करें जो पूरा सेक्शन है या फिर ग्रुप है. एंड दिस सेक्शन और ग्रुप दे वुड सिट टुगेदर सो दैट वो एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करें. तो एक 3-tier एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बॉडी बनेगी जिसके अंदर पहले होगा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये 3 बॉडी होगी, एंड प्रिंसली स्टेट जो होगी इट वुड नो लॉन्गर बी अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट,
इसके पास ऑप्शन रहेगा या तो वो एक सक्सेसर गवर्नमेंट जो बाद में गवर्नमेंट बनेगी उसको चूज करे या स्टिल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहे। और इस कैबिनेट मिशन के अंडर ये एक ऑप्शन भी था कि 5 साल के बाद प्रोविंस के बाद ये ऑप्शन होगा कि वो उस ग्रुप से जो जिस ग्रुप के अंदर है वो उस ग्रुप से दे कैन कम आउट एंड आफ्टर 10 ईयर्स ओनली दे कुड कॉल फॉर अ रिकंसिडरेशन ऑफ द यूनियन या फिर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन और ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर किसी को चेंजेस करना है तो इट ये सिर्फ 10 साल के बाद ही हो सकता है। एंड कैबिनेट मिशन के अंडर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इटसेल्फ। बट ये पूरे मिशन का अलग इंटरप्रेशन निकाला गया। फॉर मुस्लिम लीग कुछ और ही था। मुस्लिम लीग के लिए कंपल्सरी ग्रुपिंग होना चाहिए बिकॉज उनका व्यू पॉइंट ये था कि वो अभी कंपल्सरी ग्रुपिंग में रहे और बाद में इन द फ्यूचर वो एक पाकिस्तान आराम से बना सके। बट फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस दिस ग्रुपिंग इज इट शुड बी ऑप्शनल, वो कंपल्सरी नहीं होना चाहिए क्योंकि कंपल्सरी ग्रुपिंग कॉन्ट्रेड करेगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब उनके पास पूरा कंट्रोल रहेगा प्रोविंसेस पे, पर अगर कंपल्सरी ग्रुपिंग करेंगे तो वो उस ऑटोनॉमी के साथ कॉन्ट्रेडिक करेगा। एंड प्रोविंसेस इट शुड नॉट हैव टू वेट टिल द जनरल इलेक्शन या फिर 10 साल तक उनको वेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए सो एज टू कम आउट ऑफ द ग्रुप या फिर सो एज टू चेंज एनी कॉन्स्टिट्यूशन आइदर इट बी ग्रुप या फिर यूनियन। So that was all about this video. Thank you for watching it. If you like this video and want more explained content like this, then do like and share it. Subscribe to this channel and push the bell button to be the first one to get notifications for the upcoming videos. Thank you and have a nice day.